जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग को चावल बनाना है, तो चावल बनाने में सबसे पहले हम लोग बर्तन जुगाड़ करेंगे, उसके बाद हम लोग गैस जलाएंगे, उसके बाद हम लोग उसमें पानी डालेंगे, चावल डालेंगे। तो इस प्रकार जो हम लोग श्रृंखला से चरण बाई चरण, स्टेप बाई स्टेप हम लोग करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, एल्गोरिथम कह देते हैं। तो जय हिंद मेरे साथ, फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार ट्रिक। तो दोस्तों आज हम लोग क्लास टेंथ का जो चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है वास्तविक संख्या, इसको हम लोग पूरा डिटेल से एकदम देखेंगे, क्वेश्चन को भी और इसके कॉन्सेप्ट को भी ट्रिक के साथ देखेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। तो इससे यानी कि रियल नंबर जानने से पहले हम लोग को इससे रिलेटेड कुछ बात को जानना जरूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग उसको देखते हैं। तो जो यहाँ पे लिखा गया है 10 गो पॉइंट, इसको सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद ही हम लोग वास्तविक संख्या पर आएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो हमारा है कॉन्सेप्ट, वो प्राकृतिक संख्या है, जिसको हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं और इसे एन से सूचित करते हैं। तो देखिए प्राकृतिक संख्या हम लोग बहुत बचपने से पढ़ते आ रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं। तो जो हमारा गिनती के संख्या होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो देखिए परिभाषा पूछेगा नहीं, इसलिए परिभाषा हम लोग इसको लिखेंगे नहीं, केवल समझते चलेंगे कि किसको प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। तो जो गिनती के संख्या होता है उसी को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती के संख्या कितना से स्टार्ट होता है, तो गिनती के संख्या स्टार्ट होता है 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इसी प्रकार जितना भी अनंत तक ले चल जाएंगे, 5, 6, 7, 8, 9 इसी प्रकार बढ़ते जाएंगे, जितना भी सब संख्या आएगा सबको हम लोग कौन सा संख्या बोल देंगे, तो प्राकृतिक संख्या बोल देंगे, 1 से स्टार्ट करके जितना भी संख्या चल जाएंगे। हाँ अगर इसमें हम बात करेंगे कि क्या 0 प्राकृतिक संख्या है, तो नहीं, क्योंकि 0 1 से स्टार्ट होता नहीं है, यानी कि 1 के बाद ही वाला संख्या हमारा कुछ होता है प्राकृतिक संख्या, ठीक है। लेकिन 10 की बात करेंगे तो 10, 11 सब हमारा प्राकृतिक संख्या है, लेकिन 0 की अगर बात करेंगे तो 0 हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। प्राकृतिक संख्या समझ गए होंगे कि जो वे संख्या है जो गिनती की संख्या होती है उसको हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या इसे हम लोग W से होल नंबर बोलते हैं और इसे W से सूचित करते हैं। तो चलिए पूर्ण संख्या क्या है समझ लेते हैं। तो देखिए पूर्ण संख्या की अगर बात करें तो कुछ नहीं है, बस गिनती की ही संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं, बस उसमें केवल 0 को शामिल कर दिया जाता है, यानी कि इसमें 0 से स्टार्ट होगा, 0, 1, 2, 3, 4 यानी कि गिनती के संख्या में अगर 0 को हम लोग शामिल कर दें तो उसको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। गिनती के संख्या में अगर 0 शामिल हो जाए तो हमारा पूर्ण संख्या हो जाए। अब देखिए इसमें 1 के बात करेंगे कि 1 क्या है, पूर्ण संख्या है कि प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए 1 तो प्राकृतिक संख्या है ही है देखो कि, और 1 हमारा पूर्ण संख्या भी कहलाएगा, यानी कि पूर्ण संख्या भी है और प्राकृतिक संख्या है। वही अगर हम लोग 0 के बात करेंगे कि 0 पूर्ण संख्या है कि प्राकृतिक संख्या है, तो 0 के अगर बात करेंगे तो प्राकृतिक संख्या तो नहीं है अभी हम लोग देखें, लेकिन ये पूर्ण संख्या होगा। तो इस प्रकार हम लोग समझ गए कि अगर प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर दिया जाए तो वह सभी संख्याएं क्या कहलाएगा, तो पूर्ण संख्या कहलाता है। अगला पॉइंट है हमारा पूर्णांक। पूर्णांक किसको कहेंगे, तो देखिए इसका नाम से ही स्पष्ट होता है, पूर्णांक यानी कि पूर्ण प्लस अंक, यानी कि पूरा पूरा अंक रहना चाहिए, आधा अधूरा अंक नहीं रहना चाहिए। जैसे देखते हैं 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, सब हमारा पूर्णांक है। 0 का भी बात करेंगे हमारा पूर्णांक है, अगर निगेटिव में भी बात करेंगे तो -1, -2, -3 सब हमारा पूर्णांक ही है, इससे भी पहले 3, 4, 5 सब हमारा क्या है, पूर्णांक ही है। लेकिन यही आधा अधूरा के बात करते हैं कि पूर्णांक कौन नहीं होगा, तो देखिए जैसे में हो जाएगा 4/3 लिख दे तो ये हमारा पूर्णांक नहीं होगा, क्योंकि पूरा पूरा अंक नहीं है। अगर यही लिख दें 1.4 लिख दें तो ये हमारा पूर्णांक नहीं होगा। पूर्णांक निगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, लेकिन ध्यान एक ही बात रखना है कि पूर्ण होना चाहिए, यानी कि आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। तो ये सभी संख्या हमारा पूर्णांक संख्या कहलाएगा। किसको बोलेंगे, तो पूर्ण प्लस अंक यानी कि पूरा पूरा जो संख्या रहेगा उसी को हम लोग पूर्णांक संख्या कहेंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा पॉइंट है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको कहते हैं, तो देखिए परिमेय संख्या की अगर बात करें तो परिमेय संख्या जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसको हम लोग P/Q के रूप में, P बोले तो अंश
बटा क्यूब बोले तो हर, यानी कि अंश बटा हर के रूप में जिसको हम लोग लिख सकते हैं, वे सभी संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जहां यहाँ पे एक चीज बोलता है कि जहां क्यू जो होना चाहिए कभी जीरो के बराबर नहीं, यानी कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि कभी भी जो है बटा में जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जब बटा में जीरो आ जाएगा तो उसको हम लोग परिमेय संख्या नहीं कहेंगे, ठीक है। यानी कि परिमेय संख्या में क्या आ जाएगा, तो एक दो तीन, क्योंकि इसको तो हम लोग एक बटा एक लिख सकते हैं, दो बटा दो लिख सकते हैं, दो बटा एक लिख सकते हैं, तीन बटा एक लिख सकते हैं, चार बटा पाँच, छः बटा सात, ये सभी हमारा क्या कहलाएगा, तो परिमेय संख्या कहलाएगा। अगर बात करें कि माइनस तीन बटा चार क्या है, तो माइनस में भी हो सकता है, यानी कि ये भी हमारा परिमेय संख्या है। अगर बात करें कि जीरो क्या है, तो जीरो भी हमारा परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम लोग जीरो बटा एक लिख सकते हैं। लेकिन यही कहेगा कि एक बटा जीरो क्या परिमेय संख्या है, तो नहीं, कभी भी बटा में जीरो दिखाई दे देवे वो हमारा परिमेय संख्या नहीं कहलाता, ठीक है। बात को समझ गए, अब हम लोग आते हैं अपरिमेय संख्या की ओर। तो देखिए परिमेय संख्या समझ गए थे, अब अपरिमेय संख्या है, तो जिसको हम लोग पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसको हम लोग पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको हम लोग क्या कह देंगे, तो अपरिमेय संख्या, जिसको पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो कैसे, किसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं, तो देखिए अगर रूट में यही रह जाए तीन, तो रूट में तीन है, ये केवल परिभाषा के लिए हो गया कि जिसको पी बटे क्यू में नहीं लिखा जा सकता है। लेकिन वही पहचानने की बात करें तो पहचानेंगे कैसे, तो देखिए रूट में कोई भी संख्या जिसको पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता होगा उसको हम लोग क्या कह देंगे, तो अपरिमेय संख्या। जैसे रूट तीन हो गया, रूट दो हो गया, रूट पाँच हो गया, रूट छ हो गया, इस सब को हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते हैं रूट से, तो इस सभी संख्या हमारा क्या कहलाएगा, तो इस सभी संख्या हमारा अपरिमेय संख्या कहलाएगा। वही अगर बात करते हैं रूट चार के, तो रूट चार जो हमारा है परिमेय संख्या, क्योंकि इसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, इसको दो गुना दो लिख के और एक दो को बाहर निकाल सकते हैं, तो इसलिए चार हमारा जो हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। और परिमेय संख्या की बात करें तो जिसको हम लोग रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, जिसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है पूरा पूरा, उसको हम लोग अपरिमेय संख्या की बात कहेंगे। अब एक चीज और इसमें अपरिमेय संख्या में आता है कि अपरिमेय संख्या जो होता है पाई भी हमारा एक अपरिमेय संख्या ही होता है। इसको बार बार एग्जाम में पूछता है कि पाई हमारा क्या है, तो पाई होता है अपरिमेय संख्या। तो हमेशा इसको याद रखेंगे कि अपरिमेय संख्या में क्या हो जाएगा, तो अपरिमेय संख्या में हमारा क्या आ जाएगा, तो पाई आ जाएगा। अपरिमेय संख्या में क्या आ जाएगा, तो पाई आ जाएगा। तो पी बटा क्यू के रूप में जिसको लिखा जा सकता है परिमेय, और जिसको नहीं लिखा जा सकता है वो अपरिमेय कहलाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं वास्तविक संख्या, जो कि यही हमारा चैप्टर के नाम था, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या हम लोग किसको कहेंगे, तो देखिए वास्तविक संख्या की बात करें तो जो परिमेय और अपरिमेय, किसको, तो जो परिमेय और अपरिमेय को जो सम्मिलित रूप होगा उसी को हम लोग वास्तविक संख्या कहेंगे, यानी कि रियल नंबर कहेंगे। इसको हम लोग यूं बोल सकते हैं कि जो रियल लाइफ में जो भी संख्याएं दिखाई दे रही है सभी हमारा क्या है, तो वास्तविक संख्याएं हैं। यानी कि रियल लाइफ में जितना भी हम लोग संख्या देख रहे हैं, जितना भी सब संख्या लिखे हैं, सब हमारा क्या है, तो सब हमारा वास्तविक संख्या है। यानी कि एक दो तीन चार जितना भी संख्या हो जाएगा, रूट दो रूट चार, रूट दो रूट चार, रूट पाँच, रूट आठ, सात, माइनस तीन, जीरो, पाँच, जितना भी संख्या होता है सब वास्तविक संख्या है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप हम लोग क्या कहते हैं, तो वास्तविक संख्या कहते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि वास्तविक संख्या समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या किसको बताए, तो अभाज्य संख्या को अगर बात करें तो जिसका केवल और केवल दो गुणनखंड हो, जिसका केवल कितना गुणनखंड हो, तो केवल दो गुणनखंड हो, जिसका केवल दो गुणनखंड होगा उसको हम लोग क्या कह देंगे, तो उसको हम लोग अभाज्य संख्या कह देंगे। जैसे अगर बात करें तो दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या यही होता है दो, इसको हम लोग दो को केवल और केवल दो ही गुणनखंड तोड़ सकते हैं, एक एक होगा और एक स्वयं होगा, यानी कि दो होगा। आगे बात करते हैं तो तीन, तीन का भी केवल दो ही गुणनखंड तोड़ सकते हैं, तो एक हमारा क्या हो जाएगा, तो एक एक हो जाएगा और एक तीन हो जाएगा। यानी अगला बात करते हैं तो अगला अगर पाँच होगा, चार हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, तो पाँच की अगर बात करें तो पाँच का एगो एक होगा और एक कितना होगा, तो एगो हमारा हो जाएगा पाँच। अगर नौ की बात करें तो नौ हमारा जो है अभाज्य संख्या नहीं है,
तो इस प्रकार से जिसका केवल दो गुणनखंड होगा यानी कि केवल एक और अपने आप से कटेगा वही संख्या हमारा अभाज्य संख्या कहलाता है। अगला बात करते हैं भाज्य संख्या के। तो भाज्य संख्या में जिसका दो से अधिक गुणनखंड होगा, जिसका क्या होगा दो से अधिक गुणनखंड होगा उसको हम लोग क्या कह देंगे तो भाज्य संख्या कह देंगे। जैसे देखते हैं बात करते हैं तो चार हो जाएगा, चार को दो से अधिक गुणनखंड होता है, कितना होता है तो एक एक हो जाएगा, दो से कटेगा और चारों से कटेगा यानी कि दो से अधिक गुणनखंड हो जा रहा है इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा तो हमारा भाज्य संख्या हो जाएगा। यानी कि जिसका दो से अधिक गुणनखंड होता है उसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। चार की अगर बात करें तो सबसे छोटी भाज्य संख्या चार है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहेगा तो दो हो जाएगा। आगे बात करते हैं तो आगे छ, क्योंकि छ को दो से अधिक गुणनखंड होता है, एक होता है, तीन से भी करता है और छ से भी करता है। आगे बात करते हैं तो नौ, नौ भी हमारा है कौन संख्या तो भाज्य संख्या है क्योंकि एक से भी करता है, तीन से भी करता है और नौ से भी करता है। तो इस प्रकार से नौ भी हमारा क्या हो गया तो नौ भी हमारा हो गया भाज्य संख्या। अगला हम लोग समझते हैं सौ अभाज्य संख्या। तो सौ अभाज्य संख्या किसको कहेंगे तो वैसा संख्या जिसका एच सी एफ एक हो, जिसका एच सी एफ कितना हो तो एक हो, जिसका एच सी एफ एक हो उसको हम लोग क्या कह देंगे सह अभाज्य संख्या। इसमें अभाज्य संख्या हो या नहीं हो इससे मतलब नहीं है, सह अभाज्य संख्या किसको कहेंगे तो जिसका एच सी एफ एक होता है उसको हम लोग सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं तो एग्जांपल में अगर बात करेंगे तो तीन और पाँच का एच सी एफ जब हम लोग निकालेंगे तो इसका एच सी एफ एक आएगा। तो इस प्रकार हमारा जो हो गया एच सी एफ एक हो गया, दो और तीन का अगर एच सी एफ निकालेंगे तो उसका एच सी एफ एक आएगा, इसलिए ये दोनों जो है हमारा क्या हो गया तो सौ अभाज्य संख्या हो गया। अगला और लास्ट देखते हैं कि जुड़वा अभाज्य संख्या किसको कहेंगे। तो जुड़वा अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या का वैसा जुड़ा, इसमें किसको बोलेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या तो अभाज्य संख्या दोनों होना चाहिए, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि दोनों अभाज्य संख्या हो। जैसे अगर बात करें पाँच और छः का तो पाँच और छः भी हमारा क्या है तो सौ अभाज्य संख्या ही है, ठीक है, क्योंकि इसका एच सी एफ एक निकलेगा। तो इस प्रकार पाँच और छः भी हमारा क्या हो गया तो सौ अभाज्य संख्या। लेकिन जुड़वा अभाज्य संख्या कहेंगे तो जुड़वा अभाज्य संख्या उसको कहेंगे कि अभाज्य संख्या का वैसा जुड़ा यानी कि इसमें दोनों ही क्या होना चाहिए तो अभाज्य संख्या ही होना चाहिए। तो अभाज्य संख्या का वैसा जोड़ा जो जिसमें दो का डिफरेंट हो, जिसमें कितना का डिफरेंट हो तो दो का डिफरेंट हो। जैसे अगर बात करेंगे तो दो और पाँच, तो दो और पाँच की अगर बात करेंगे तो दो और पाँच क्या हमारा सौ अभाज्य संख्या है तो सॉरी जुड़वा अभाज्य संख्या है तो जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसका डिफरेंट निकालेंगे तो पाँच में से दो जाएगा था तीन आएगा। तो इस प्रकार ही हमारा जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं है। तो जुड़वा अभाज्य संख्या हमारा क्या होगा तो अगर तीन और पाँच की बात करेंगे तो ये हमारा जुड़वा अभाज्य संख्या होगा क्योंकि इसका डिफरेंट निकालेंगे तो इसका डिफरेंट हमारा कितना आएगा तो दो आएगा। इसके बाद पाँच और सात की बात करेंगे तो ये भी हमारा क्या है तो ये भी हमारा है जुड़वा अभाज्य संख्या क्योंकि इसका डिफरेंट निकालेंगे तो दो आएगा। तो अभाज्य संख्या का वैसा जोड़ा जिसका बीच का अंतर दो होता है उसको हम लोग जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट देखते हैं और उसके बाद तुरंत हम लोग चैप्टर पाते हैं। तो चलिए अब हम लोग आते हैं अगला कॉन्सेप्ट की। तो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है एल्गोरिथम के बारे में कि एल्गोरिथम क्या होता है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि प्रमेयिका क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एल्गोरिथम जानते हैं। तो एल्गोरिथम के कहा गया कि जब किसी समस्या को चरण यानी कि स्टेप की श्रृंखला द्वारा हल किया जाता है, यानी कि एल्गोरिथम हमको कुछ नहीं है, ये जो है चरण बाय चरण यानी कि स्टेप बाय स्टेप कोई भी काम को करने का, यानी कि कोई भी समस्या को स्टेप बाय स्टेप श्रृंखला से हम लोग जब किसी काम को करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है एल्गोरिथम। जैसे मान लीजिए कि हम लोग को चावल बनाना है तो चावल बनाने में सबसे पहले बर्तन जुगाड़ करेंगे, उसके बाद हम लोग गैस जलाएंगे, उसके बाद हम लोग उसमें पानी डालेंगे, चावल डालेंगे। तो इस प्रकार जो हम लोग श्रृंखला से चरण बाई चरण स्टेप बाई स्टेप हम लोग करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं एल्गोरिथम कह देते हैं। मैथ में इसको कैसे करेंगे, मान लीजिए कि हम लोग को भाग देना है और दो से भाग देना है,
तो इस प्रकार हम लोग भाग देंगे दो दोनों की चार, उसके बाद घटाएंगे तो एक। तो इस प्रकार पहले हम लोग गुणा करके यहाँ लिखे, उसके बाद यहाँ से हम लोग माइनस किए, तो जी जो ये हम लोग स्टेप बाय स्टेप भाग दे के किए, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, तो इसी को हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं। यानी कि किसी भी समस्या को जब हम लोग श्रृंखला में चरण बाय चरण करके हल करते हैं, स्टेप वन स्टेप टू, जैसे यहाँ पे कि हम लोग पहला स्टेप में दो से दो गुना करके यहाँ पे लिखे। चलिए अब हम लोग समझते हैं अगला स्टेप। तो अगला हमारा है प्रमेय का। तो प्रमेय का किसको कहते हैं, तो देखिए यह सिद्ध किया हुआ एक कथन होता है जो दूसरे कथन को सिद्ध करने में हमको हेल्प करता है, यानी कि मदद करता है, या दूसरे कथन को सिद्ध करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए समझते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़े थे पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि उसमें पढ़े थे कि कर्ण के स्क्वायर जो होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो उसके सहायता से हम लोग और बहुत सारा जो है मैथ को बनाए थे, यानी कि उसी कथन के सहायता से और बहुत सारा कथन को सिद्ध किए थे। तो ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा हो गया प्रमेय का। प्रमेय अलग है और प्रमेय का अलग है, एक चीज ध्यान में रखेंगे। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है। प्रमेय का तो समझ गए, यह सिद्ध किया हुआ कथन होता है जो दूसरे कथन को सिद्ध करने में मदद करता है। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है। तो यूक्लिड तो एक गणितज्ञ थे और विभाजन यानी कि भाग से संबंधित है, जो कि भाग हम लोग समझते हैं डिवाइड से संबंधित है। तो भाग के बारे में ही एक कथन दिए यूक्लिड ने, किसने, तो यूक्लिड साहब ने एक भाग के बारे में डिवाइड के बारे में एक कथन दिए, और उसी कथन को हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहा जाता है। जैसे कि समझते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि 9 है और 9 में हम लोग को भाग देना है 2 से, तो 2 से भाग देंगे तो 2 चौका 8 हो जाएगा और यहाँ पे शेषफल 1 बचेगा। तो समझते हैं इसको तो हम लोग क्या बोल दिए, शेषफल बोलते हैं, इसको हम लोग शेषफल बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं भागफल बोलते हैं, क्या बोलते हैं भागफल बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं भाजक बोलते हैं, भाजक बोलते हैं, और ये हमारा क्या है, तो ये हमारा जो है भाज्य कहलाता है, क्या कहलाता है भाज्य कहलाता है। तो इसी के संबंध में इसी से रिलेटेड एक कथन दे दिए यूक्लिड साहब, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। चलिए समझते हैं वो कथन क्या दिए थे। वो बताए थे कि भाज्य बराबर जो होता है क्या, भाज्य बराबर जो होता है भाजक, भाजक गुणे भाग के फल, यानी कि भाग फल, और उसमें अगर शेष को जोड़ दीजिएगा तो आपको प्राप्त हो जाएगा क्या, तो आपको प्राप्त हो जाएगा भाज्य प्राप्त होगा। लेकिन वो इस कथन को इस प्रकार से नहीं लिखे थे, वो कथन को इस प्रकार से नहीं लिखे थे, वो इस कथन को मैथमेटिशियन रूप में बोले थे कि ए बराबर जो होगा क्या होगा, तो बी क्यू प्लस में आर होगा। यानी कि वो बताए थे कि ए जो हमारा हो भाज्य से सूचित, भाज्य को ए से सूचित किए और भाजक को बी से सूचित किए और भागफल को क्यू से सूचित किए और शेषफल को रिमाइंडर को आर से सूचित कर दिए। तो इस प्रकार के जो कथन बना इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बोलते हैं। और इसमें एक चीज और उसने बताया, वे बताया कि रिमाइंडर के बारे में यानी कि शेषफल के बारे में, कि शेषफल जब भी होगा तो क्या से, यानी कि भाजक से, यानी कि जिससे भाग दे रहे हैं उससे कम होगा। शेषफल जब भी होगा तो किससे, भाजक से, यानी कि हमारा क्या है भाजक है जिसको हम लोग बी से सूचित करेंगे, ये हमारा क्या है भाज्य है जिसको हम लोग ए से सूचित करेंगे, भागफल यानी कि ये हमारा क्या है इसको क्यू से सूचित करेंगे और ये हमारा शेषफल है इसको हम लोग आर से। तो ये बताएं कि बी जो होगा जब भी, सॉरी आर जो होगा जब भी होगा तो बी से छोटा होगा, यानी कि बी बड़ा होगा और शेषफल छोटा होगा हमेशा। और एक चीज और बोले कि जीरो जो होता है शेषफल से बराबर भी हो सकता है और जीरो से बड़ा भी शेषफल आ सकता है, ये बताए थे कि यूक्लिड साहब ने बताया। तो इस प्रकार यूक्लिड विभाजन प्रमेय का समझ गए, और एक कॉन्सेप्ट और है जिसको हम लोग समझते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट, और लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा है HCF के लिए यूक्लिड विभाजन। HCF बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर समझते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। चलिए इसको हम लोग एक संख्या से समझते हैं, यानी कि मान लेते हैं कि एक संख्या 8 है और एक संख्या हमारा कितना है 12। तो देखते हैं कि 8 कितना कितना से सबसे पहले कटेगा, तो 8 कट सकता है 1 से, कट सकता है 2 से, कट सकता है उसके बाद 4 से, कट सकता है उसके बाद 8 से, कट सकता है 12 के बाद करते हैं, तो 12 कितना से कटेगा, तो 1 से कट सकता है 2 से, कट सकता है
तीन से भी कट सकता है, उसके बाद चार से भी कट सकता है, उसके बाद छः से भी कटेगा और बारह से कटेगा। इसमें समझना है कि हाईएस्ट कॉमन कौन होगा। कॉमन की बात करें तो कॉमन तो एक भी हो जा रहा है, कॉमन तो एक भी हो जा रहा है, दो भी हो जा रहा है। उसके बाद हाईएस्ट की अगर बात करें तो सबसे अधिकतम कॉमन हमारा कितना हो रहा है, तो चार, यानी कि आठ और बारह का यहाँ हमारा एच सी एफ कितना हो जाएगा, यहाँ हमारा हो जाएगा चार। कोई भी जब दो को संख्या रहे या तीन संख्या रहे तो सबसे पहले छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दिया जाता है, यानी कि छोटी संख्या हमारा कितना है तो आठ है और बड़ी संख्या हमारा कितना है तो बारह। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दीजिए, आठ से भाग दिए तो आठ का आठ एक बार में आठ, उसके बाद घटाने के बाद लिखते हैं तो बारह में से आठ जाएगा तो चार। उसके बाद कहते हैं कि ये आठ इसको नहीं काटा, तो अब आठ जो है बारह को नहीं काटा, तो अब जो शेष आया वो कहता है कि अब हम तोरा कटबो, यानी कि केकरा आठ के, जो नहीं काटा ओकरे अब काटेगा आठ, यानी कि यही वाला जो है अब यहाँ आ जाएगा। और इसके बाद चार से भाग लेंगे तो चार दुनी की आठ, यानी कि जीरो शेषफल आ गया। तो ये प्रोसेस तब तक करना होता है जब तक शेषफल जीरो नहीं आ जाए। तो शेषफल जीरो आ गया, अब यहाँ पे हम लोग चरण लिख लेते हैं। चरण किस प्रकार से लिखा जाता है, तो चरण जी लिखा जाता है ए बराबर जो हम लोग अभी पढ़े थे बी क्यू प्लस आर के रूप में, और शेषफल जब तक जीरो नहीं आ जाए तब तक ये प्रक्रिया करते रहना है। जैसे बारह को हम लोग लिख सकते हैं आठ गुना एक, आठ गुना एक और प्लस में कितना आया था तो चार, इस प्रकार से लिख लेंगे। यहाँ पे हमारा शेषफल जो है आर नॉट इज इक्वल टू कुछ है जीरो है, तो हम लोग अगला स्टेप में क्या लिखेंगे तो आठ, जिसको है जो हमारा है भाज्य कितना है तो आठ, तो आठ बराबर हम लोग लिख लेंगे चार गुना दो, चार गुना दो और प्लस में शेषफल यानी कि जीरो आ गया है। तो जहाँ शेषफल जीरो आ जाएगा वही हमारा भाजक, वही हमारा क्या हो जाएगा एच सी एफ, यानी कि यहाँ हमारा एच सी एफ की बात करें तो एच सी एफ हमारा कितना आ गया चार आता है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर एक को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर एक की हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर हमारा एक है 135 और कितना है तो 225 है, तो सेम उसी प्रकार से करना है। कैसे करना है तो सबसे पहले एक से भाग लगाएंगे क्योंकि दो से तो लगेगा नहीं, बेसी हो जाएगा, तो एक से 100 कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको घटाएंगे, पाँच में से पाँच जाएगा तो जीरो, उसके बाद बारह में से तीन जाएगा तो नौ, उसके बाद कट गया। अब देखिए ये एच सी एफ कहता है, यानी कि यूक्लिड विभाजन द्वारा एच सी एफ जो बताए थे वो कहता है कि जब 135 इसको नहीं कटा तो जो सब शेषफल बचा वो कहता है कि तू जब ना कट ले तो अब तोरे हम कटबो। शेषफलवा कहता है कि अब तोरे हम कटबो, काहे नहीं काटा, तो शेषफल कितना है तो 135। 135 जो है काटेगा 90 काटेगा, तो 90 नौ दुनी 18 बेसी हो जा रहा है, एक बार में ही लगाएंगे 90 और उसके बाद हम लोग घटा लेंगे। तो यहाँ घटाएंगे तो पाँच या 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा, यानी कि 45 आ गया। अब उसके बाद हम लोग फिर वही नहीं कट पाया तो फिर शेषफल वाला कहता है 45 कहेगा कि अब फिर तोरे कटवो। ये जब तक प्रक्रिया करना है तब तक करना है जब तक शेषफल जीरो ना आ जाए। उसके बाद 45 दूना 90 जो कि शेषफल हमारा कितना आ गया जीरो आ गया, तो बस यहाँ तक नहीं करना है। और उसके बाद क्या लिख देना है तो उसके बाद हम लोग को लिख देना है क्या, तो उसके बाद लिख देना है स्टेटमेंट यानी कि कथा सॉरी चरण स्टेप, यहाँ लिख देंगे स्टेप फर्स्ट, स्टेप यहाँ से स्टेप फर्स्ट होगा, स्टेप फर्स्ट उसके बाद लिख देंगे स्टेप सेकेंड और यहाँ ये यह हमारा फाइनल हो गया। यहाँ भी हम लोग क्या लिखेंगे तो स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकेंड, तो स्टेप यानी कि चरण एक, चरण एक की बात करें तो चरण एक में 225 लिए थे, तो 225 बराबर 135 गुना एक और प्लस में शेष कितना आया था तो 90 जो कि हमारा शेषफल जीरो नहीं आया था। तो हम लोग स्टेप दूसरा चले थे, ये काम तब तक करना था जब तक शेषफल जीरो नहीं आ जाए। ये बताए थे यूक्लिड साहब एच सी एफ निकालने का तरीका, लॉन्ग प्रोसेस है थोड़ा सा लेकिन मस्त है, ये क्वेश्चन हर बार पूछता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं आगे, आगे हम कितना लिए थे तो आगे हम लोग भाज लिए थे 135, तो 135 और उसके बाद बराबर 90 गुना कितना एक और प्लस में शेषफल कितना गया था 45 जो कि शेषफल हम लोग को जीरो नहीं आया था। तो अगला हम लोग क्या करेंगे
तो अगला स्टेप थर्ड, और यहाँ ही हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि स्टेप थर्ड की अगर बात करेंगे तो स्टेप थर्ड में जो है 90 बराबर 45 गुना 2 और प्लस में शेषफल कितना आ गया, तो 0 आ गया, यानी कि जो हाँ शेषफल 0 आया वही हमारा एच सी एफ हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एच सी एफ हमारा कितना आ गया, तो 45 0 लाया है शेषफल, तो इसलिए हमारा एच सी एफ 45 आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है 196 और 38220। तो सबसे पहले हम लोग छोटा संख्या से बड़ी संख्या में जिस प्रकार से भाग दिए थे उसी प्रकार से यहाँ भी भाग देंगे। तो देखिए यहाँ 196 तीन डिजिट का है और यहाँ भी हम लोग तीन डिजिट का ले लेंगे, तो तीन डिजिट का 382 है। अगर 196 से दो बार में लगाएंगे तो इससे अधिक आ जाएगा, इसलिए हम लोग कितना बार में लगाएंगे, एक बार में ही, यानी कि 196 ही लगाएंगे। उसके बाद जिस प्रकार से घटाते थे उसी प्रकार घटाएंगे, तो दो में से 6 नहीं जाएगा तो कैरी लेंगे, यानी कि यहाँ से कैरी लेंगे तो 12, 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा। उसके बाद ही बच गया 7, तो 7 नहीं घटेगा, 7 में से 9 नहीं घटेगा, तो फिर हाँ सी ले लेंगे इसमें से, तो 17, ये हो गया हमारा कितना, 17 हो गया, 17 में से 9 को हम लोग घटाएंगे तो बचेगा 8 बचेगा। उसके बाद ही बच गया 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, इस प्रकार 186 आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 यहाँ पे एक और ये वाला उतार देंगे, हो गया 1862। उसके बाद देखिए 1862 196 से कितना बार में लगाएं तो इसके करीब आ जाए या यही अंक आ जाए। तो देखिए 196 में अगर हम लोग 5 से गुना कर देते हैं तो बहुत कम आ जाएगा, इसमें हम लोग 9 से गुना करते हैं तो देखिए कितना आ जाएगा, 9×6=54 की 4, हाथ में लगल 5 और 9×9=81, 81 या 5 हो जाएगा 86, 86 की 6, हाथ में बच जाएगा अभी 8 और 9 और 8 जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा, इसके काफ़ी करीब है। 10 से लगा देते हैं तो 19060 आ जाता है, 1960 आ जाता है, बहुत ज़्यादा आ जाता है, इसलिए हम लोग कितना से लगाएंगे, तो 9 से लगाएंगे और आएगा 1764 आएगा। उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये 2 में से 4 नहीं जाएगा तो पहचान लेंगे तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा। उसके बाद ये 5 बचेगा, इसमें से पहचान लेंगे तो 15, 15 में से अगर हम लोग 6 को घटा लेंगे तो बचेगा कितना, तो 9 घटेगा। उसके बाद देखिए ये बच गया कितना, तो ये बच गया 7, 7 में 7 जाएगा 0 और 1 में से 1 जाएगा 0, उस इस प्रकार से आ गया 98 और यहाँ पे एक और हम लोग का दे देंगे तो 0 दे देंगे, ये जो 0 बचा था उसको हम लोग 0 दे देंगे। उसके बाद देखिए अब हम लोग कितना से लगाएंगे, यहाँ पे 980 आ गया। देखिए 196 में अगर हम लोग 5 से गुना करते हैं तो देखिए 6×5=30, 9×5=45, 40×40 48×8, हाथ लगा 4 और 5×4=9, यानी कि आ जा रहा है कितना बार में, तो 5 बार में कितना, तो 980। तो इस प्रकार से एक ही बार में आ गया, यानी कि 196 से डायरेक्ट कट गया, तो ये जो हमारा इसका एच सी एफ आएगा, इसका एच सी एफ कितना आएगा, तो एच सी एफ जो जिस संख्या से वो डिवाइड पूरा पूरा कट जाता है और जिससे उसका शेषफल 0 आ जाता है, जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं उससे शेषफल 0 आता है, वही हमारा एच सी एफ होता है। तो एच सी एफ किससे 0 आया, तो पहले ही संख्या से, यानी कि फर्स्ट स्टेप में ही, यानी कि एच सी एफ इसका हो जाएगा 196। इसको फर्स्ट स्टेप तो लिखना पड़ेगा, तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग बताए थे ए बराबर क्या बताए थे, बी क्यू प्लस आर होता है, ये तो हमारा ये था 38220 था, इनकी ये बी के बात करें तो बी हमारा है 196 है। उसके बाद क्यू, क्यू के बात करें तो 195 है, 195 और प्लस शेषफल हमारा आ गया 0, यानी कि शेषफल 0। ये क्रिया तब तक करना होता था जब तक हमारा आर 0 नहीं आ जाए, तो आर 0 आ गया, इसलिए यहाँ पे हम लोग लिख देंगे और इस प्रकार से हमारा फुल मार्क्स मिल जाए। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 3 की बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे होंगे कि 867 है और 255 है, यहाँ पे सबसे पहले बड़ा संख्या लिख दिया उसके बाद छोटा संख्या लिख, इससे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग छोटे संख्या से ही भाग देंगे बड़ा संख्या में। तो देखिए छोटा संख्या हमारा 255 है, 200 कितना है, 55 है, और बड़ा संख्या हमारा है 867, तो 867 में भाग देंगे कितना से, 255 से उस, और इसके बाद एच सी एफ निकालेंगे। तो देखिए हम लोग कितना बार में लगाते हैं, तो 255 में अगर 4 बार में लगाएंगे तो बेसी हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसमें कितना बार में लगाएंगे, 3 बार, तो 3 बार में देखिए 5×15=5, हाथ में बचा 1, फिर 5×15 15 और 1 16, 16 की 6, हाथ में बचा कितना, 1 और 3 दूना 6, 6×1=7, इस प्रकार से हो जाएगा, और इसको घटा लेंगे तो 7 में से 5 जाएगा तो 2, 6 में से 6 जाएगा 0 और 8 में से 7 जाएगा तो
102। इस प्रकार अब 102 से ही डिवाइड करेंगे किस में, तो जिससे पहले भाग दिए थे यानी कि जो पहले भाजक था यानी कि 255 में, 255 में। तो देखिए अगर दो बार में लगाएंगे तो ठीक है, दो बार में हम लोग लगा देते हैं, तो दो बार में लगाएंगे तो दो दोनों की चार हो जाएगा और दो हो जाएगा यानी कि 204 हो जाएगा। पाँच में से चार जाएगा तो कितना बचेगा, एक बचेगा, पाँच यहाँ बचेगा और दो में से दो जाएगा तो जीरो। अब 51 में ही, 51 से ही भाग देंगे कितना में, तो 102 यानी कि 102 में। तो दो बार में 51 से कहाँ हो जाएगा, 102 हो जाएगा यानी कि शेषफल जीरो आ गया। तो ये काम तब तक हम लोग को करना होता था जब तक शेषफल जीरो नहीं आ जाए। तो शेषफल आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जीरो आ गया। उसके बाद थोड़ा सा और काम बच गया है स्टेप लिखने के लिए, जो कि स्टेप में हम लोग पढ़े थे कि ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, ये ना पढ़े थे, जो कि आर तब तक लिखना होता था जब तक हमारा शेषफल जीरो नहीं हो जाए। चलिए ए अगर पहला स्टेप की बात करें, स्टेप नंबर वन यानी कि चरण वन इसको बोल सकते हैं, स्टेप वन को, तो ए हमारा है 800 कितना, तो 67 बराबर, 867 बराबर बी क्यू यानी कि बी हमारा कितना है, तो 255 है गुना क्यू, क्यू की बात करें तो 3 है और प्लस आर की बात करेंगे तो आर हमारा कितना बचा था, तो आर हमारा बचा है 102। तो इस प्रकार हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद देखिए स्टेप हम लोग टू के बात करेंगे, देखिए स्टेप हम लोग यहाँ पे टू लिखते हैं, स्टेप नंबर टू, टू के बात करेंगे तो देखिए टू में कितना, तो 255, 255 बराबर। उसके बाद बी क्यू, तो बी है हमारा 102 यानी कि 102 है। क्यू के बात करेंगे तो क्यू हमारा कितना है, तो 2 है और प्लस आर की अगर बात करेंगे तो और हमारा बचा था 51। उसके बाद स्टेप नंबर थ्री जो कि लास्ट स्टेप है, तो स्टेप तीन के बात करेंगे तो 102 बराबर कितना, तो 51 गुना 2 और प्लस शेषफल यहाँ पे हमारा कितना आ गया, जीरो। तो जो हमारा शेषफल जीरो करता है, जो भाजक यानी कि जिससे भाग देला के बाद शेषफल जीरो होता है, वही हमारा एच सी एफ होता है, बार बार हम बता रहे हैं। तो एच सी एफ यहाँ हमारा कितना निकल गया, तो एच सी एफ हमारा निकल गया 51 यानी कि 55 ही हमारा एच सी एफ हो गया। अगर इस प्रकार से आप लोग पूरा ढंग से बनाते हैं तो आपको एकदम फुल मार्क्स जरूर मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग आते हैं दो नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर दो की ओर। तो क्वेश्चन नंबर दो हमारा कहता है कि दर्शाइए कि, यानी कि साबित करना, सिद्ध करना, प्रूव करना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। यानी कि कोई भी जो धनात्मक विषम पूर्णांक होता है, जो है क्या कह रहा है, धनात्मक और विषम पूर्णांक के बारे में कह रहा है। तो देखिए जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो थोड़ा सा मानेंगे, लेट करेंगे और उसके बाद आसानी से इसको बनाएंगे, हड़बड़ाइएगा नहीं। आज के बाद ऐसा क्वेश्चन में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग मान लेंगे विषम पूर्णांक की बात कर रहा है, तो हम लोग मान लेंगे कि माना कि ए को मान लेते हैं, ए कोई विषम पूर्णांक है। क्या है, विषम पूर्णांक है, मान लिए कि ए कोई क्या है, तो विषम पूर्णांक है। और इसमें थोड़ा सा मानेंगे कि जो 6 से बड़ा क्यों माने, तो देखिए जो भी यहाँ पे रूप दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे रूप दिया 6q+1, 6q+3 और 6q+5, तो हम लोग मानेंगे कि 6 से बड़ा है। अगर यहाँ रहता 7q+1, 7q+3, 8 अगर रहता 8q+1, तो हम लोग यहाँ 8 से बड़ा मान लेते हैं। तो 6q+1 का रहता 6 से हम लोग बड़ा मान लिए। अच्छा जब 6 से बड़ा है यानी कि ये जो है मान 6 से बड़ा है, तो देखिए अगर बात करेंगे 6 से बड़ा है, अगर इस रूप के बात करेंगे तो रूप हमारा देखिए किस रूप में दिया गया है, रूप दिया गया है 6q+1, 6q+3, 6q+5। अगर ध्यान से देखेंगे तो यूक्लिड विभाजन वाला जो हम लोग प्रमेय पढ़े थे, उसमें पढ़े थे कि ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। अगर यहाँ देखिएगा बी के मान, तो यही बी हमारा कौची है, तो 6 है, तो बी हमारा 6 है, यानी कि जिससे हम लोग भाग देते थे वो हमारा बी होता था। तो बी जो हमारा 6 है, तो जब भी हमारा आर का पॉसिबल वैल्यू आएगा तो आर हमारा 6 से क्या होगा, तो हमारा आर जो होगा 6 से यानी कि एकरा से, तो आर हमारा कौन होगा, छोटे होगा, क्या होगा, छोटा होगा। जब भी होगा तो बी से हमारा आर क्या होगा, छोटा होगा, यानी कि बी बड़ा होगा
और आर हमारा क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पे हमारा संभावित शेषफल क्या क्या हो सकता है, संभावित शेषफल देखिए क्या क्या हो सकता है, शेषफल बोले तो आर, शेषफल बोले तो क्या आर, देखिए क्या क्या हो सकता है। जब भी होगा तो छः से छोटा होगा, यानी कि जीरो भी हो सकता है छः से छोटा, एक भी हो सकता है छः से छोटा, दो तीन चार पाँच, यहाँ तक क्या छः होगा, तो नहीं, क्योंकि जिससे हम लोग भाग देते हैं छः, छः से भाग दे रहे हैं और छः ही शेषफल थोड़ी आएगा, नहीं आएगा। तो शेषफल, संभावित शेषफल हमारा यही आ सकता है। उसके बाद हम लोग इतना तक कर लेंगे। सबसे पहले क्या किया, तो माना कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक मान लिए, क्योंकि विषम पूर्णांक ही सिद्ध करने के लिए करा था। उसके बाद जो छः से कहा है बड़ा, यानी कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक है वो छः से बड़ा है। हम लोग क्यों ऐसा लिखे, तो क्योंकि छः के प्लस वन, छः के प्लस थ्री और छः के प्लस फाइव था, तो इसलिए छः से बड़ा लिख दी। उसके बाद संभावित शेषफल देखेंगे, तो ये छः से हमेशा का होगा तो छोटा होगा, तो यानी कि जीरो एक दो तीन चार पाँच हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा जो रूप दिया गया है छः क्यू, यहाँ भी छः क्यू, यहाँ भी छः क्यू, और जो हमारा होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता है ए बराबर बी क्यू और प्लस में आर। तो देखिए यही बी क्यू यहाँ छः क्यू दिया है, यानी कि बी के वैल्यू हमारा कितना दे दिया है, तो छः दे दिया है। अब सब वैल्यू को बैठाते हैं, तो देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा, तो बी, बी के जगह पर छः क्यू और प्लस आर, एक बार आर हम लोग जीरो बैठाएंगे, तो छः क्यू प्लस क्या आ गया, जीरो। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ए बराबर देखिए यहाँ पे आ गया छः क्यू, जब आर बराबर कितना बैठा है, जीरो लिए, जब आर बराबर हम लोग जीरो लिए तो आ गया ए बराबर छः क्यू। अच्छा ये देखिए सम संख्या है, और सम संख्या में किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो सम संख्या आता है, यानी कि ये हमारा कैसा पूर्णांक है, तो ये हमारा है सम पूर्णांक। ये कैसा पूर्णांक आ गया, तो सम पूर्णांक। आगे बढ़ते हैं, आगे आर बराबर जब हम लोग वन लेंगे, आर बराबर कितना लेंगे, वन लेंगे, आर बराबर जब वन लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ए बराबर आ जाएगा, देखिए कितना आ जाएगा, तो ए बराबर आ जाएगा छः क्यू और प्लस वन आ जाएगा। अच्छा देखिए सम संख्या ही है, और सम संख्या में अगर विषम संख्या को जोड़ते हैं तो हमेशा क्या आता है, तो विषम आता है, यानी कि ये हमारा कैसा आ गया, तो ये हमारा आ गया विषम पूर्णांक आ गया। ये कैसा पूर्णांक आ गया, तो विषम पूर्णांक आ गया, क्योंकि सम संख्या ही है, और सम संख्या में जब विषम संख्या को जोड़ेंगे तो हमेशा क्या आता है, विषम संख्या आता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे अब हम लोग आते हैं आर बराबर टू लेके देखते हैं। आर बराबर जब टू लेंगे, आर बराबर कितना, टू लेते हैं, तो हो जाएगा ए बराबर कितना आ जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा छः क्यू प्लस टू, ये भी सम संख्या, और सम संख्या में जब सम संख्या जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा कैसा, तो सम पूर्णांक आ जाएगा, ये सम पूर्णांक आ गया। आगे बढ़ते हैं, आर बराबर अब कितना लेंगे, थ्री लेंगे, आर बराबर जब थ्री लेंगे, तो आर बराबर जब थ्री लेंगे तो ए बराबर आ जाएगा छः क्यू प्लस थ्री, फिर वही बात, सम संख्या में विषम जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा कैसा पूर्णांक, तो यह आ जाएगा विषम पूर्णांक आ गया। ये कैसा पूर्णांक आ गया, तो विषम पूर्णांक आ गया। अब और बच गया आर बराबर चार, तो आर बराबर एक बार चार लेंगे, आर बराबर जब चार लेंगे तो ए बराबर आ गया छः क्यू प्लस चार, जो कि सम संख्या है और सम में समय जोड़ है, ये कैसा पूर्णांक है, तो यह है समय पूर्णांक। आगे बढ़ते हैं, आर बराबर लास्ट बच गया पाँच, क्योंकि पाँच से बड़ा तो ले ही नहीं सकते हैं, तो आर बराबर पाँच लेंगे तो ए बराबर आ गया कितना, तो छः क्यू प्लस पाँच, ये भी अगर सम संख्या में विषम जोड़ेंगे तो वही बात कि फिर क्या आ जाएगा, तो विषम पूर्णांक आ गया। अब देखिए हमारा पे जो क्वेश्चन कह रहा था कि विषम पूर्णांक सिद्ध करने के लिए कि छः क्यू प्लस वन होता है विषम, छः क्यू प्लस तीन होता है विषम और छः क्यू प्लस पाँच होता है विषम, सेम वही आया है। देखिए विषम पूर्णांक की बात करें तो विषम पूर्णांक एगो ही आया है जो कि छः क्यू प्लस वन है। आगे बात करें तो छः क्यू प्लस तीन आया है, ये भी हमारा विषम पूर्णांक है। अगर इसके बाद बात करें तो ये भी हमारा क्या है, तो विषम पूर्णांक है। इसके बाद जितना भी आएगा सब सम आया है, तो अतः हम लोग कह सकते हैं कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक होगा छः क्यू प्लस वन, छः क्यू प्लस तीन और छः क्यू प्लस पाँच का ही रूप के होता है। ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया, साबित हो गया। तो ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर तीन देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर तीन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर तीन हमारा कहता है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, यानी कि आर्मी की बात कर रहा है, कि टुकड़ा, आर्मी के टुकड़ा को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है,
दो समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर रहे हैं। लंबा चौड़ा क्वेश्चन देख करके तो लग रहा होगा कि बनबे नहीं करेगा, लेकिन आपको बता दें कि इससे आसान कोई क्वेश्चन ही नहीं है। मेन हम लोग को उतना से कोई मतलब नहीं है, मेन हमको देखिए यहाँ क्या कर रहा है, स्तंभों की अधिकतम संख्या पूछ रहा है, यानी कि कितना अधिकतम संख्या हो जाएगा। तो जब भी अधिकतम के बात करेगा तो हम लोग क्या निकालते हैं, HCF, यानी कि इसका होवे करता है फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम लोग जब अधिकतम के बात करेगा तो क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, जिसमें से डिजिट दे दिया गया है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना है, जिसमें से 32 सदस्यों वाली के एक आर्मी बैंड के पीछे जो है मार्च करना है, यानी कि 616 सदस्य है। कितना सदस्य है, तो 616 सदस्य। तो थोड़ा सा अगर इसमें लिखना चाहते हैं तो लिख लेंगे कि परेड में कुछ है, परेड में 616 सदस्य है, परेड में कितना सदस्य है, तो 616 सदस्य लिख दिए। उसके बाद 32 सदस्य वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है, तो लिख देंगे कि 32 सदस्य वाले वाले आर्मी बैंड के पीछे क्या करना है, बैंड के पीछे मार्च करना है, बस इतना लिख देंगे, मार्च करना है। उसके बाद देखिए जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, यानी कि हमेशा छोटा संख्या से बड़ा में डिवाइड करके निकालते हैं HCF। तो 32 है और बड़ा संख्या 616 है, तो देखिए यहाँ दो डिजिट है, तो दो डिजिट यहाँ भी लेंगे, एक बार में लगाएंगे दो बार में अधिक हो जाएगा, तो एक बार में लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आएगा, घटाएंगे तो 11, 11 में से दो दो जाएगा तो बचेगा 9, यहाँ बच गया 5, 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2। फिर उसके बाद हम लोग 6 को उतार लेंगे, उसके बाद देखिए कई बार में लगेगा, तो देखते हैं अगर इसको लगाते हैं 5 बार में तो 3 5 15, और अधिक बार में लगाना पड़ेगा 9 3 27, यानी कि 9 बार में लगा के देखते हैं। 9 बार में लगाएंगे तो 9 2 18 की 8, हाथ में लगा 1, और 9 3 27 है 1 28, यानी कि 288 आ जाएगा। उसके बाद देखिए उसके बाद घटाते हैं तो 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, उसके बाद 8 में से यानी कि 0 0। उसके बाद क्या करते हैं, जो यहाँ पे शेषफल आता है उसी शेषफल से भाग देते हैं, किसमें, तो जो भाजक होता है हमारा उसी में, यानी कि 32 है, तो 32 में हम लोग भाग देंगे तो 8 चौका 32, यानी कि 32 यहाँ पे शेषफल आ गया 0। तो इस शेषफल जो 0 किया, जो भाजक शेषफल 0 किया, वही हमारा क्या हो जाता है, HCF, यानी कि HCF जो हमारा आ गया 8 आ गया। तो हमारा क्या क्वेश्चन पूछ रहा था कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर रहे हैं, तो अधिकतम संख्या हमारा कितना आ गया, तो अधिकतम संख्या ही हमारा HCF होगा, यानी कि अधिकतम संख्या जो होगा कितना हो गया, 8, यही हमारा क्या हो गया, आंसर। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए, यानी कि साबित करिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग के बात कर रहा है, कि किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। अब ये हम बताए थे कि जब भी इस रूप का आ जाए और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से साबित करने के लिए कहे, तो सबसे पहला हमारा काम होता है मान लेने के लिए, यानी कि मान लेंगे कि माना कि ए कोई क्या है, तो ए कोई धनात्मक पूर्णांक है मान लेंगे। उसके बाद देखिए उसके बाद जो रूप दिया गया है, अगर ध्यान से देखेंगे तो 3m और 3m+1 के, यानी कि यहाँ से b का मान हमारा क्या हो जाएगा, b के मान जब भी होगा तो 3 होगा, b के मान क्या होगा तो 3 होगा। जब b 3 हो जाएगा तो r, हम बताए थे कि r जब भी होता है तो b से क्या होता है, तो b से हमेशा r जो होता है छोटा होता है, यानी कि r जो होगा छोटा होगा, यानी कि 3 से छोटा होगा। तो r क्या क्या हो सकता है, तो r या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, 3 कभी नहीं हो सकता, यानी कि संभावित r यही आ सकता है 0 1 2। अब उसके बाद वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो आप करते थे वही का प्रयोग कर देंगे, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन
विभाजन प्रमेय का से, प्रमेय का से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहता क्या है? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं आर बराबर, सबसे पहले हम लोग जब आर बराबर ले लेते हैं कितना, तो आर बराबर सबसे पहले जीरो की बात करते हैं। तो जीरो के अगर बात करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ए बराबर बी क्यू, बी की बात करेंगे तो थ्री है, क्यू की बात करेंगे तो थ्री एम का रूप कह रहा है, यानी कि कह रहा है कि पूर्णांक एम के लिए हम लोग क्यू की जगह पर का ले लेंगे, एम ले लेंगे, और प्लस आर के जगह पर तो जीरो, यानी कि आ गया ए बराबर कितना आ गया, तो ए बराबर हमारा यहाँ से आ गया थ्री एम। क्या यही आंसर होगा? नहीं, क्योंकि कहा है कि पूर्णांक का वर्ग, यानी इसको क्या करना पड़ेगा, वर्ग करने पड़ेगा, तो वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर, इसको वर्ग करेंगे तो थ्री एम का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा क्या, तो तीन तरीके नौ एम के स्क्वायर। इसको देखिए, तीन तरीके नौ एम स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर बराबर देखिए क्या आ गया, तो नौ एम के स्क्वायर। यहाँ से अगर हम तीन को कॉमन कर लें तो बच जाएगा थ्री एम का स्क्वायर, और इसके जगह पर हम लोग क्या मान लेंगे, एम मान लेंगे, यानी कि यहाँ से आ जाएगा थ्री और एकरा जगह पर क्या मानेंगे, एम मान लेंगे, यहाँ से आ गया क्या, तो थ्री एम आ गया। उसके बाद अगला स्टेप चलेंगे, जब आर बराबर कितना ले लेंगे, तो जीरो लिए थे, अभी आर बराबर एक लेंगे। यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत? सबसे पहले आर के मान बैठा है, आर का मान जीरो था, जीरो बैठा दिए, ए बराबर आ गया थ्री एम, तो ए बराबर थ्री एम आया, तो वर्ग करने के लिए बोला था, इसलिए हम इसको क्या किए, वर्ग किए। वर्ग करने के लिए बोलेगा तो वर्ग करेंगे, क्यू करने के लिए करेगा तो क्यू करेंगे। चलिए आर बराबर जब मान लेंगे, आर बराबर मान लेंगे तो ए बराबर हमारा आ जाएगा बी क्यू प्लस आर होता है, तो बी के मान तो हमारा थ्री है, तो थ्री क्यू के जगह पर कह रहा है पूर्णांक क्या लेने के लिए, एम लेने के लिए, तो थ्री एम और प्लस में कितना हो जाएगा, तो आर के जगह पर वन ले लेंगे। तो क्या यही हमारा आंसर हो गया? तो नहीं, आंसर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वर्क करने के लिए बोला था, तो यहाँ भी हम लोग वर्क करेंगे, तो ए स्क्वायर हो जाएगा बराबर, यहाँ आ जाएगा थ्री एम प्लस वन का स्क्वायर आ गया, तो ये आ गया ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर। इसका फॉर्मूला पर तोड़ देंगे तो होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी कि तीन तरीके नौ एम के स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी यानी तीन दोनों की छः एम और प्लस बी स्क्वायर यानी कि वन। उसके बाद यहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ भी तीन है इसमें भी और इसमें भी तीन है, तो तीन को हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, बच जाएगा यहाँ पे, तो तीन दूनी के छः, तीन तीन की नौ, तीन बच गया और एम के स्क्वायर प्लस तीन कॉमन लिए हैं, ये छः है, तो तीन दूनी की छः हो गया, यानी कि दो बच गया क्रम में और एम, बस इसमें तो कॉमन होगा नहीं, तो इसको बाहर रह देते हैं और प्लस वन कर दिए। इसको अभी इसको मान लेंगे क्या, तो एम, इसको पिछला बार माने थे एम, अभी किसको मानेंगे एम, अभी जो कॉमन हुआ उसको हम लोग क्या मान लेंगे, एम मान लेंगे, यानी कि इतना टर्म को हम लोग क्या मान लेंगे, एम, तो पहले से बाहर में है थ्री, ये आ गया एम और प्लस आ गया वन। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो यही साबित करने के लिए कह रहा था कि थ्री एम या थ्री एम प्लस वन के रूप का होता है। आर बराबर कहिएगा कि टू क्यों नहीं रखें, तो देखिए अगर सिद्ध करने के लिए और आगे कहता तो हम लोग रख सकते थे, अभी रख भी सकते हैं, लेकिन जो सिद्ध जब हम लोग इतने से आर बराबर एक रखने से ही हो गया, तो हम लोग को आर बराबर टू रखने की क्या ज़रूरत है, यानी कि हमारा आ गया कि किसी भी जो है पूर्णांक एम के लिए थ्री एम या थ्री एम प्लस वन के ही रूप का होता है। यहाँ पे आ गया थ्री एम देख सकते हैं और यहाँ पे आ गया कितना थ्री एम प्लस वन, तो इस प्रकार से हमारा क्या हुआ, साबित हुआ। तो अब हम लोग आते हैं 1.1 के लास्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, इस बार घन के बात कर रहा है, पिछला बार हम लोग को वर्ग के बात किया था, स्क्वायर के बात किया था, लेकिन इस बार घन यानी कि क्यूब के बात कर रहा है, तो अब हम लोग क्यूब करेंगे। 9m, 9m+1 या 9m+8 का रूप का होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पिछला बार वर्ग किए थे अभी हम लोग क्या करेंगे, तो घन करेंगे। चलिए समझते हैं, तो जिस प्रकार से पिछला बार से क्वेश्चन को हम लोग मानते आ रहे हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो मान लेंगे, मानेंगे कि माना कि क्या मानेंगे कि ए कोई, माना कि ए कोई धनात्मक क्या है, तो ए कोई
धनात्मक पूर्णांक है। मान लिए, माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, मान लिए धनात्मक पूर्णांक है। इसके बाद क्या करते थे, तो इसके बाद बी देखते थे। तो बी हमारा अगर बात करेंगे तो जो रूप दिया गया 9m + 8, 9m + 1, 9m, यानी कि जो बी हमारा होगा, यहाँ से बी हमारा 9 है। बी जैसे ही 9 आ गया, आर हम लोग बता सकते हैं कि आर के मान हमेशा 9 से छोटे होगा, क्योंकि भाजक जो है 9 है, तो भाजक से छोटा ही ना शेषफल आता है, तो शेषफल 9 से छोटा होगा, यानी कि 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट कहाँ तक चल सकता है, 8 तक चल सकता है। ठीक है, ये हमारा हो गया आर, ये हमारा क्या हो गया, आर हो गया। लेकिन वही अगर क्यू के बात करेंगे तो क्यू हमारा क्या है, एम के काम पर है, एम के जगह पर है, तो क्यू हमारा एम के जगह, बस इतना लिखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो उसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगा देंगे। क्या लगा देंगे, तो यूक्लिड जो हम लोग जानते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता क्या है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग परिचित हैं। वो कहता है कि ए बराबर जो होता है बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो जब आर बराबर स्टार्ट करेंगे 0 से, जहां हमारा आंसर तीनों आ जाएगा वहीं हम लोग छोड़ देंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आर के मान 8 तक ही चले। तो सबसे पहले हम लोग आर बराबर क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। ठीक है, आर बराबर जैसे ही 0 लेंगे तो देखिए क्या होगा, आर बराबर 0 लेंगे तो ए बराबर हमारा देखिए क्या आ जाएगा, तो ए बराबर आ जाएगा बी क्यू, बी के जगह पर हमारा 9, क्यू के जगह पर एम, प्लस क्या आ जाएगा आर 0, यानी कि ए बराबर हमारा क्या आ गया, तो ए बराबर आ गया 9m। लेकिन क्या यही आंसर आ गया, नहीं, 9m आ रहा है फिर भी यही आंसर नहीं है, क्योंकि हमको घन करने के लिए बोला है, तो घन करना अति आवश्यक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे अगला, घन करने पर इसका घन करेंगे तो ए क्यू बराबर इसका घन करेंगे तो 9 × 9 × 9 और m × m × n 9m का क्यू हो जाएगा, यानी कि 9 को हम लोग बाहर निकाल के ही रखेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं, ताकि कॉमन लेने में आसान पड़ता है। तो 9 और 9 के स्क्वायर यानी कि 9×9 81 हो जाएगा, और m का क्यू ऐसे लिख सकते हैं, या भी गुना करके भी लिख सकते थे, लेकिन फिर कॉमन लेने में दिक्कत होता है, तो इसलिए पहले ही 9 को बाहर लिख दिया। तो इस प्रकार से 81 आ गया, और m का क्यू होगा, सॉरी यहाँ पे m का क्या होगा, तो क्यू होगा। चलिए आगे देखते हैं, जब r बराबर हम लोग लिए थे 0, जब r बराबर लेंगे हम लोग 1, तब देखिए क्या हो गया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और मिस्टेक हो गया, अब यहाँ पे जो 81m का q आया, इसके जगह पर हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए एक q बराबर क्या आ गया, तो 9×81m का q। क्यों हम लोग 9 को बाहर लिखें, क्योंकि हमको ज़रूरत है 9 का, 9m आ रहा है, 9m + 1 आ रहा है, तो अब इसके स्थान पर हम लोग मान लेंगे m मान लेंगे। तो अब देखिए 9m मान लिए, तो 9 और m हो गया, आ गया ना 9m, यानी कि e अब आया हमारा 9m, क्या r बराबर 0 रखने पर हमारा 9m आ गया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पहला आंसर मिल चुका है। अब हम लोग आते हैं अगला अगर बात करेंगे तो देखिए आगे बढ़ेंगे, जैसे ही देखिए आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो अब हम लोग r बराबर कितना ले लेंगे, r बराबर 0 के बाद कितना लेंगे, तो 1। जैसे ही r बराबर 1 का प्रयोग करेंगे तो हमारा a बराबर हो जाएगा कितना, तो 9m + 1 हो जाएगा। ठीक है, 9m + 1 हो गया। उसके बाद यही क्या हमारा आंसर हो गया, तो नहीं, क्योंकि हमको बोला है घन करने के लिए, तो क्या करेंगे, घन करेंगे, तो ए क्यू प्लस यहाँ भी अगर लिख देंगे तो क्या होगा, यहाँ घन करने पर और यहाँ भी हम लोग लिख देंगे घन करने पर देखिए क्या आ जाएगा, लिख देंगे कि घन करने पर लिख दिए। अब देखिए घन करेंगे यानी कि क्यूब करेंगे, एक क्यूब बराबर अगर इसका क्यूब करेंगे तो आएगा 9m + 1, इसका क्यूब हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा आ गया a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है a के क्यूब यानी कि 9m का क्यूब हो जाएगा प्लस b के क्यूब यानी कि 1 का क्यूब हो जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस होता है 3a²b, तो 3 × a²b, ए स्क्वायर की बात करेंगे तो 9m² × b के जगह पर 1 प्लस
क्या होता है, तो थ्री ए बी का स्क्वायर, तो थ्री इंटू ए के जगह पर नाइन एम इंटू बी के स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर। उसके बाद हम लोग इसको कर देते हैं, तो इसको करेंगे तो नौ नवा इक्यासी, इक्यासी में नौ से गुना करेंगे तो आ जाएगा सात सौ उनतीस आ जाएगा, सात सौ उनतीस और एम का क्यूब आ जाएगा प्लस यहाँ वन को हम लोग लास्ट में लिखेंगे। अभी इसको रह देते हैं, इसको अगर करेंगे तो नौ नवा इक्यासी और इक्यासी में तीन से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, इक्यासी में तीन से गुना करेंगे तो अठारह चौबीस यानी कि दो सौ तैंतालीस और यहाँ एम स्क्वायर आ जाएगा प्लस यहाँ नौतिया सत्ताईस एम आ गया। और जो एक यहाँ नहीं लिखे थे इसको एक को लास्ट में लिख देंगे। उसके बाद देखिए अगर बात करेंगे तो इसमें भी नौ है, इसमें भी नौ है और इसमें भी नौ है, तो नौ को हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे क्योंकि जो हमारा रूप दिया है नौ एम प्लस वन का अभी लगा है, तो हम लोग क्या कॉमन लेंगे, तो नौ कॉमन ले लेंगे। जैसे ही हम लोग नौ को बाहर निकाल लेंगे तो देखिए हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा कितना, तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा इक्यासी एम के क्यू प्लस यहाँ देखिए कितना बचेगा, अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा सत्ताईस, क्योंकि आप लोग सत्ताईस में नौ से गुना करके देख सकते हैं, तो नौ सत्तर तिरसठ और नौ दुनी अठारह, अठारह और छः को जोड़ देंगे तो चौबीस आ जाएगा एम के स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा थ्री एम और इसमें तो कॉमन हो भी नहीं करेगा तो बाहर में लिख देंगे प्लस वन। अब इसके बाद इतना के बराबर अब भी हम लोग क्या मान लेंगे, तो एम मान लेंगे, तो देखिए क्या आ जाएगा नाइन एम प्लस वन, देखिए तो इस रूप का आ गया कि नहीं, यानी कि दो स्टेप हमारा आंसर आ चुका है और तीसरा स्टेप बच गया, तो तीसरा स्टेप भी हम लोग क्या कर लेते हैं, हम निकाल ये लेते हैं। तीसरा स्टेप देखिए क्या कर रहा है, तीसरा स्टेप आर बराबर जब दो लेंगे तो ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा, जब आर बराबर कितना लेंगे दो लेंगे तो हम लोग को होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर यानी कि नौ एम प्लस क्या हो जाएगा दो। अब क्या करना है, तो इतना ही आंसर नहीं छोड़ना है, बोला है कि क्या करने के लिए, घन करने के लिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि घन करने पर, घन करने पर लिखेंगे यहाँ से आ जाएगा क्या, यहाँ से ए के क्यू बराबर नौ एम प्लस दो का होल क्यू हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। और इसके बाद देखिए तो इसके बाद ए प्लस बी के होल क्यू के फार्मूला पा गया, तो ए प्लस बी के होल क्यू के फार्मूला जैसे ही लगाएंगे तो ए प्लस बी के होल क्यू के फार्मूला क्या जानते हैं, तो ए का क्यू यानी कि नाइन एम का क्यू प्लस बी का क्यू यानी कि दो का क्यू प्लस थ्री ए स्क्वायर बी, तो थ्री इंटू ए के स्क्वायर बी, ए के स्क्वायर बोले तो नौ एम के स्क्वायर इंटू बी की जगह पर दो प्लस थ्री ए बी के स्क्वायर, तो थ्री इंटू ए के जगह पर है हमारा कितना, तो ए के जगह पर हमारा है नौ एम और इंटू बी के जगह पर कितना, बी के जगह पर हमारा दो, तो दो के स्क्वायर। इसके बाद जैसे ही इसको सोल्व करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, नौ एम का क्यू अभी किए थे कितना आया था, सात सौ उनतीस आया था, तो सात सौ उनतीस एम का क्यू हो जाएगा प्लस आगे देखिएगा तो दो का क्यू आठ होता है प्लस इसका क्यू अभी किए थे कितना आया था, तो दो सौ तैतालीस आया था, कितना आया था, तो दो सौ तैतालीस लिख देंगे प्लस अगर इसका बात करेंगे दो सौ तैतालीस, लेकिन यहाँ पे दो सौ तैतालीस में दो से गुना था, तो दो सौ तैतालीस में दो से क्या कर देंगे, दो सौ तैतालीस आया था और इसमें दो से गुना है तो दो से गुना रह दीजिए प्लस आगे देखेंगे तो आगे आ जाएगा नौतिया सत्ताईस और दो की चार यानी कि सत्ताईस गुना चार और एम, और यहाँ भी हमारा एम स्क्वायर क्या हुआ है, छूटा हुआ है, तो एम स्क्वायर यहाँ भी हम लोग लिख देंगे और प्लस आ गया जो। अब देखिए इसमें भी क्या करते थे, यहाँ भी हमारा जो है सात जो है, सॉरी यहाँ भी हमारा नौ एम के रूप में लाना है, नौ एम प्लस आठ, तो यहाँ से भी अगर देखेंगे तो इसमें भी नौ है, इसमें भी नौ है, इसमें भी नौ है, सब में नौ है, तो नौ को हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो नौ को जैसे ही कॉमन लेंगे तो इसमें बच जाएगा क्या, तो इसमें बचेगा इक्यासी एम का क्यू, आठ को लास्ट में लिखेंगे क्योंकि इसमें कॉमन नहीं हो रहा है, तो क्या आ जाएगा दो सौ तैंतालीस में से जैसे ही कॉमन लिए थे तो आया था कितना सत्ताईस, तो प्लस सत्ताईस लेकिन चार सत्ताईस लेकिन दो गुना में है तो सत्ताईस गुना दो और एम के स्क्वायर रहेगा प्लस देखिए सत्ताईस था तो कॉमन ले लिए हैं तो कितना बचा, तो थ्री लेकिन गुना में चार है तो गुना में चार
और एम है तो एम लिखेंगे, और प्लस में अब आठ यहाँ वाला को बाहर लिख देंगे, आठ यहाँ वाला को बाहर लिख देंगे। देखिए कोशिश कीजिए देख के, बाहर में लिख देंगे, यहाँ पे आठ लिखा हुआ है ठीक है। अब देखिए अब इतना टोटल को हम लोग फिर हर बार की भांति क्या मानते थे, एम मानते थे, तो इतना को एम मान लेंगे। यहाँ नौ है और यहाँ गुना एम है, तो नौ एम अब प्लस में बाहर आ गया आठ। तो आप लोग देख सकते हैं कि तीसरा रूप भी आ गया, नौ एम प्लस नौ एम तो यहाँ आ गया था, नौ एम प्लस वन की बात करें तो यहाँ आ गया, और नौ एम प्लस आठ यहाँ आ गया, यानी कि हमारा साबित हो चुका है। जो कि ये थोड़ा सा कैलकुलेशन हार्ड था, लेकिन इसमें बहुत आसानी से हम लोग बना लिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार और वीडियो को देख लीजिए, ताकि अच्छा से समझ में आ जाए ठीक है। एक बार देखे में अगर नहीं समझ में आता है तो एक दो बार और वीडियो को देख लीजिए, ताकि बेहतर ढंग से आपको समझ में आ जाए। हमने फुल कोशिश किया है कि आपको बेहतर ढंग से समझा दें। इधर केवल कैलकुलेशन था, मेन हम लोग को कैलकुलेशन में ध्यान में रखना है कि कैसे कैलकुलेशन करना है, ताकि हमारा परीक्षा में गलती नहीं हो जाए। और इस प्रकार से अगर बना देते हैं तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ठीक है, आप लोग अब बताइए कि यह वीडियो कैसा लगा। और एक पॉइंट एक के बाद अब हम लोग अगला दिन एक पॉइंट दो की ओर वीडियो लाएंगे। तो ठीक है, आप लोग बताइए कि यह वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।